हेलो फ्रेंड्स, मैं अलियास गरबोरा उदयपुर से। दोस्तों, आज हमारा डिबेट का या डिस्कशन का जो टॉपिक है, परिचर्चा का जो टॉपिक है, वो है डिफेंस डील से रिलेटेड। दोस्तों, भारत में हम जैसा जानते हैं कि हमारे रक्षा उपकरण, खासकर हथियार और फाइटर जेट्स, पनडुब्बियां, ये सब भारत में निर्मित नहीं होती है। कुछ हद तक हम स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हमें अधिकांश तौर पर विदेशी कंपनियों पर निर्भर करना पड़ता है। विदेशी कंपनियों की साझेदारी पर हमें निर्भर रहना पड़ता है। दोस्तों, हम सब ये बात भी जानते हैं कि भारत का सर्वाधिक व्यापार रूस से होता है इसको लेकर, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों से भी हम लोगों ने ये रक्षा उत्पाद खरीदना शुरू किया है। इटली से भी हम करते हैं, स्वीडन, स्वीडिश कंपनियां भी इसमें काम करती हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने भी हाल ही में राफेल डील को लेकर एक कुछ प्रश्न उठाए हैं। मैं निजी तौर पर तो नहीं जानता और ना ही इस मुद्दे की इतनी समझ है कि ये इसमें किसी को गलत या किसी को सही ठहराया जा सके। दोस्तों, राफेल फ्रांस से हम खरीद रहे हैं, ये कुछ मिसाइल्स हैं, या राफेल फ्लाइट, या फ्लाइट्स एक तरह से एयरक्राफ्ट है राफेल। तो ये जो एयरक्राफ्ट है, मिसाइल में गलती से बोला, तो ये एयरक्राफ्ट जो है वो हमारे पास पहले भी हम अलग अलग देशों से खरीदते रहे हैं। जैसे जैसे तकनीक बढ़ती है, हर देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए और पनडुब्बियां, सबमरीन्स और फाइटर जेट्स खरीदते हैं। दोस्तों, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है कि भारत के कई सारे रक्षा सौदे जो हैं वो जांच के घेरे में आए हैं, घोटाले को शिकार हुए हैं और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं। बोफोर्स तोप घोटाला जो 1980 के दशक में हुआ, राजीव गांधी के शासनकाल में, उसके अलावा अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड एक कंपनी थी जिसने कुछ हेलीकॉप्टर्स, वीवीआईपी चॉपर्स भारत को दिए थे। तो ये कुछ ऐसे घोटाले हैं, बोफोर्स तोप हो चाहे वीवीआईपी चॉपर घोटाला हो, ये इन्होंने हमारे देश के डिफेंस प्रोक्योरमेंट यानी रक्षा खरीद को काफी मुश्किल बना दिया है। दरअसल होता क्या है दोस्तों, कि हमारी सरकारें जब समझौता करने की कोशिश करती हैं तो कुछ बीच में दलाल होते हैं, एजेंट्स, वो कंपनी और सरकार के उस समय के जो नुमाइंदे होते हैं। जैसे बोफोर्स में हुआ, ऐसा आरोप है कि राजीव गांधी भी उसमें सम्मिलित हैं और भी लोग उसमें रहे होंगे। क्वात्रो चीटली का वो भी उसमें सम्मिलित था। तो ऐसा माना जाता है कि ये लोग दलाल जो हैं वो डील कराते हैं और हमारी सरकार में बैठे अधिकारी, नेता सूटकेस लेकर, पैसा लेकर किसी भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। दोस्तों, ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सिर्फ ये भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन ये हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बेचने जैसी स्थिति है। राफेल की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि राफेल के बारे में कोई तथ्य नहीं है, ना कोई प्रिलिमिनरी जांच है, ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट में मामला है। केवल एक राजनीतिक आरोप है, और केवल राजनीतिक आरोप पर मैं कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता। चूंकि ये मुद्दा आज हमारे सामने है, इस पर परिचर्चा हो रही है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत खतरा होता है। इसके कारण क्या क्या, देखिए, रक्षा खरीदों में घोटाले क्यों होते हैं, इसका एक प्रमुख कारण है कि क्योंकि रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले प्रायः अपारदर्शी होते हैं, उसमें पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है। इसका फायदा उठाकर कुछ सैन्य अधिकारी, रक्षा मंत्रालय के अधिकारी और नेतागण जो है वो घोटाले को अंजाम दे देते हैं, क्योंकि उसमें किसी को जवाब दे वो नहीं होते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती ना, आप आरटीआई के थ्रू खुलासा कर सकते हैं। प्रायः घोटाले जो खुलते हैं वो सीएजी की तरफ से खुलते हैं, या फिर जो विदेशी कंपनियां होती हैं उनके देश में अगर कोई जांच चल रही हो तो उस जांच की वजह से भारत को पता लगता है कि अच्छा ये घोटाला हुआ है। वरना आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि डिफेंस या रक्षा मंत्रालय की तरफ से या भारत सरकार ने ही अपनी तरफ से कोई घोटाले को उजागर किया हो। सीएजी की रिपोर्ट जो आती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, वो भी बहुत सी बातें लिखती है, कई बातें हम पब्लिक डोमेन में नहीं लाते संसद, क्योंकि वो रक्षा से जुड़ा हुआ मामला होता है। तो ये एक बड़ा कारण है इसका। दूसरा, हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं है रक्षा मंत्रालय में उस तरीके से। डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी तो है, लेकिन और उसका एक प्रोसीजर भी बना है, लेकिन फिर भी अधिकांशतः जो रक्षा सौदे होते हैं वो संविदा पर नहीं होते। उदाहरण
इसका इसका कारण क्या है दोस्तों? रक्षा सौदे संविदाओं या कॉन्ट्रैक्ट पर क्यों नहीं होते? इसका प्रमुख रीजन जो है वो ये है कि हर देश ये चाहता है कि उसको बेस्ट हथियार मिले, सर्वश्रेष्ठ उपकरण मिले। तो जाहिर सी बात है, ये कोई गेहूं चावल आटा खरीदना तो है नहीं, है ना, कि जो सस्ता देगा हम उससे खरीद लेंगे। नहीं, इसमें ये होता है कि जो अच्छी चीज है जिस कीमत पर हमें मिल रही हो, कोशिश ये की जाती है कि समझौता करके कम से कम कीमत पर वो खरीदने की कोशिश करें। लेकिन जिस कीमत पर हमें, अगर अगर हमारे लिए वो उपकरण, रक्षा उपकरण जरूरी है, हमारे लिए अगर स्कॉर्पिन पनडुब्बी जो भारत में बन रही है उसके पार्ट जरूरी है, तो हम खरीदेंगे किसी भी कीमत पर खरीदना पड़े। उसी तरीके से राफेल को भी हम खरीदेंगे अगर किसी भी कीमत पर हमें खरीदना पड़े। अगस्ट वेस्टलैंड्स के जो हेलीकॉप्टर्स थे हमें खरीदने थे, अगर हमारे लिए जरूरी है तो हम खरीदेंगे। कोई तोप हो, चाहे वो बोफोर्स हो, चाहे कोई और हो। तो रक्षा के मामलों में हम संविदा नहीं कर सकते, हमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है ताकि हमें अच्छी चीजें मिले, है ना। तो इसका भी एक बड़ा नुकसान हमें होता है, क्योंकि चूंकि संविदा नहीं होती, सारा मामला अपारदर्शी तरीके से होता है, किसका किससे समझौता रहा है नहीं पता है। ऐसे में सबको मौका भी नहीं मिल पाता, अच्छी कंपनियों, कुछ कंपनियों को मौका ही नहीं मिल पाता कि वे अपने रक्षा उपकरणों को भारत सरकार को बेच सके। तो ये भी एक कारण है कि घोटाले हो जाते हैं, क्योंकि जिनकी पहुंच होती है, जो लॉबिंग कर सकते हैं सरकार में, उनको मौका मिलता है अपने उत्पादों को पहुंचाने का। इसके बहुत खराब परिणाम होते हैं दोस्तों, भारत पर तो इसका इतना दुष्परिणाम होता है, और इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा कितने, किस हद तक प्रभावित होती है, आप इससे समझिए कि जब कभी भी हमारे रक्षा संबंधी घोटाले या डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स के रिलेटेड जो स्कैम सामने आते हैं, स्कैंडल सामने आते हैं, उससे हमारी फोर्सेस का मोरल डाउन होता है, हमारी जनता का भी मोरल डाउन होता है। मनोबल डाउन होने के अलावा जो हमारे दुश्मन देश है उनको ही भी ये बातें पता चल जाती है कि भारत में कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना। तो उसकी वजह से कई बार न चाहते हुए भी हमारे रक्षा से संबंधित बातें बाहर विदेशों में फैलती है, और उससे भारतीय सेना की जो प्रतिष्ठा है वो खराब होती है। इसके अलावा सरकारें दबाव में आ जाती है दोस्तों, और दबाव में आ जाने के कारण क्या होता है कि सरकारें एक कठोर प्रक्रिया को अपनाना शुरू कर देती है रक्षा खरीद की। हालांकि हाल ही में सरकार ने कुछ सीमा तक जो एक रक्षा उपकरण खरीदने के लिए सेना को अनुमति दी है, सेना के जो उप सेनाध्यक्ष हैं, उप सेना प्रमुख, उस स्तर तक के अधिकारियों को ये कहा है कि वे सैंक्शन कर सकते हैं कुछ सीमा तक, जो जिनको हम शॉर्ट लिव्ड युद्ध वॉर इक्विपमेंट्स कहते हैं, मतलब छोटे युद्ध के लिए जो हमें जरूरत पड़ती है इक्विपमेंट्स की, वो खरीद सकते हैं वो लोग। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि बाकी पूरा प्रोसेस फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि कोई भी सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती, कोई भी अधिकारी जो है वो इतनी आसानी से किसी भी दस्तावेज पर साइन नहीं करता, वो पॉलिसी पैरालिसिस जो है ना वो आ जाता है, क्योंकि हर आदमी को लगता है कि अगर किसी में कहीं घोटाला हो गया और सीबीआई की जांच बैठ गई या सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो गई तो हमारा क्या होगा। तो इस वजह से हर अधिकारी डरता है, प्रोसेस कठोर हो जाता है, और इससे हमारी जरूरत के उपकरण हम खरीद नहीं पाते। जरूरत के उपकरण जब हम खरीद नहीं पाते तो देश की रक्षा दांव पर लग जाती है। इसका आर्थिक नुकसान भी होता है दोस्तों, तो जब रक्षा खरीद घोटाले हमारे सामने आते हैं और हमें पता लगता है कि साहब कोई चीज हमें 500 करोड़ में पड़ी, वो हमें 200 करोड़ में कोई और कंपनी दे सकती थी, तो एक तरह से हमारे लिए वो आर्थिक नुकसान भी है, क्योंकि इस देश में जीडीपी का, अगर इस बजट का हम उठा के देखेंगे तो 1.68% करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए, 1 से कम 1.5 लाख करोड़ तो आप मान ही लें, अगर डॉलर को मैं उसके साथ जोड़ू ढंग से फैक्टर इन करो तो 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट है हमारा। और भी तो अगर हमें मितव्ययिता से खर्च नहीं कर पाते और इसी तरीके से घोटाले होते हैं, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि रक्षा बजट इससे बढ़ता है, और जितना रक्षा बजट बढ़ेगा उतना विकासात्मक कार्यों के लिए बजट कम होगा, तो जाहिर सी बात है इससे विकास प्रभावित होगा। तो रक्षा बजट कम किया जा सकता है अगर ये घोटाले रुके तो। इसकी एक बड़ी राजनीतिक कीमत भी हमें चुकानी पड़ती है दोस्तों। दोस्तों आप देखिए कि जब भी कभी ऐसे रक्षा घोटाले सामने आते हैं तो संसद नहीं चल पाती है, डिसरप्शन होता है, बहिष्कार होता है संसद का, है ना। तो हमारा टैक्स का जो पैसा है वो संसद में केवल इस घोटाले की गूंज की वजह से खराब होता है, घोटाले की गूंज की वजह से हमारा पैसा बर्बाद होता है, हमारा मेहनत का कमाया हुआ टैक्स मनी जो है वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स पर बेकार चला जाता है, और सांसद विधायक जो है हमारे वो केवल इस घोटाले की आड़ लेकर हंगामा करने लगते हैं। तो इसकी एक राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़ती है, हमारा विधायी कार्य रुक जाता है, बहुत सारे बिल पेंडिंग्स पड़े हो वो क्लियर नहीं हो पाते, और केवल इन्हीं घोटालों की वजह से।
हो सकता है भविष्य में राफेल डील की वजह से, क्योंकि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को बार बार उठाया, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में राज्यसभा फिर डिसरप्ट हो जाए मार्च में, जब ये दोबारा सेशन हमारा शुरू होगा, तो इससे नुकसान तो हमारा होगा। लेकिन उम्मीद जरूर ये करनी चाहिए कि इसमें कुछ सुधार आ सकते हैं। दोस्तों मैं एक चीज और मानता हूं कि हमारा जो अधिकारी तंत्र है, खासकर मैं जब सोचता हूँ कि रक्षा खरीद घोटाले इस देश में जब होते हैं, तो मुझे लगता है कि सेना के कुछ अधिकारी जब इसमें सामने आते हैं, जैसे नेवी चीफ, कुछ पूर्व वाइस एडमिरल जो है वो अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में उनका नाम आया, ठीक है, जो हमारे वर्तमान केंद्रीय मंत्री और उस समय के तत्कालीन सेना प्रमुख थे रक्षा वीके सिंह साहब, उन्होंने ये कहा कि मुझे किसी ने रिश्वत देने की कोशिश की, तेजिंदर खन्ना का उन्होंने शायद नाम लिया था, या मेरे को नाम उनका याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने नाम लिया था एक, और ए के एंटनी ने इसकी पुष्टि भी की थी कि हाँ उन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की थी सेना प्रमुख को, वो भी एक सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की थी। तो जब ये देखते हैं तो लगता है कि एक सेना हमारी जो इतना इतनी ज्यादा ईमानदार, इतनी कर्मठ, इतनी निष्ठावान है, उसकी साख को कुछ चंद भ्रष्ट अधिकारी बट्टा लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी सेना के जो विरोधी हैं उनको मौका मिलता है हमारी सेना के आंतरिक व्यवस्था में घुसपैठ करने का, क्योंकि सेना की आंतरिक व्यवस्था जितनी ज्यादा पारदर्शी होगी उतना राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा। लेकिन इस तरीके के सैन्य अधिकारियों की हरकतों की वजह से ज्यादातर कार्य रक्षा मंत्रालय अपने हाथ में ले लेता है और सेना हेडक्वार्टर को बहुत कम काम सौंपता है, खासकर रक्षा खरीद जैसे मामलों में सेना हेडक्वार्टर स्वायत्त नहीं है, तो सेना हेडक्वार्टर की तो स्वायत्तता कम हो जाती है कुछ चंद अधिकारियों की वजह से। इससे एफिशिएंसी पर असर पड़ता है, डिसीजन मेकिंग पर असर पड़ता है। दोस्तों उपाय क्या है कि मेरा ये मानना है कि एक संसदीय समिति विशेष तौर पर केवल रक्षा खरीद सौदों के लिए बननी चाहिए, उसमें हर राजनीतिक दल के समझदार सांसदों को रखा जाना चाहिए, ऐसे सांसद जो गोपनीयता बनाए रख सके। मेरा ये मानना है कि इस देश में ऐसे पॉलिटिशियंस की कमी नहीं है जिन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए भी गोपनीयता बनाए रखी है। आप सोचिए आज तक भारत के किसी भी मंत्री ने, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने रक्षा मंत्रालय का चार्ज संभाला हो, या ऐसा कोई भी आईएएस अधिकारी जिसने रक्षा मंत्रालय में काम किया हो, आज तक कभी किसी ने कोई भी गोपनीयता गोपनीय चीजें लीक नहीं की है, ये मेरा ऐसा मानना है आमतौर पर। तो मुझे लगता है कि ऐसे सांसद भी हैं हमारे पास जो गोपनीयता बनाए रखेंगे, पर उन्हें हर पार्टी के सांसदों को एक समिति में लेना चाहिए और हर रक्षा खरीद सौदे की एक छोटी सी स्क्रूटनी करा लेनी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि इसमें हमें अंतर करना पड़ेगा कि रक्षा खरीद जो घोटाले होते हैं वो बदनीयती से किए गए हैं या गलती से हुए हैं, क्योंकि एक्चुअली ऑफिशियल डम में, यानी जो नौकरशाही है हमारी, उसमें ब्यूरोक्रेसी, उसमें कुछ अधिकारी जो है वो रिस्क लेते हैं, और रिस्क लेने के चक्कर में उनसे गलतियां हो जाती है और उन गलतियों को घोटालों का नाम दे दिया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि इससे हमारी ब्यूरोक्रेसी की एफिशिएंसी भी काफी खराब हुई, काफी ज्यादा गिरावट आई है उस एफिशिएंसी में। तो मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि ब्यूरोक्रेसी की उस एफिशिएंसी को कम ना करके हमें उन्हें रिस्क लेने के लिए एनकरेज करना चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि हमें इंटेंशनल करप्शन और अनइंटेंडेड करप्शन, या हम ये कह सकते हैं कि ऑनेस्ट करप्शन में अंतर करना पड़ेगा। तो ये तो एक सुझाव हुआ। दूसरा सुझाव, मुझे लगता है कि इस देश में हमें ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट कंपनीज को इन्वॉल्व करना होगा, और प्राइवेट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ना करके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जैसे राफेल वाला मामला जो है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, तो इनमें घोटाले होने के चांसेस कम रहते हैं। इसका रीजन ये है कि प्राइवेट कंपनियों के तो दलाल होते हैं, लेकिन सरकारों के कोई दलाल नहीं हो सकते। एक सरकार से दूसरी सरकार जब समझौता करती है तो वो साख का प्रश्न होता है, तो हम उस समय जब एमओयू साइन होते हैं, जो सरकार अभी की सरकार ने जो उठाया है कदम सरकार से सरकार, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डील की है, मुझे वो बेहतरीन कदम लगता है। इसलिए यही होना चाहिए कि हमें सरकारों से ही अनुबंध करना चाहिए, ना कि प्राइवेट कंपनियों से सीधे। इससे हमारी वैसे भी सुरक्षा दांव पर लगती है, हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है लेकिन कि सुरक्षा को खतरा रहा हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि सुरक्षा को खतरा तो है। और स्कॉर्पिन के दस्तावेज लीक हो गए थे, हमारे स्कॉर्पिन पनडुब्बी, उसके दस्तावेज जो है वो लीक हुए और ऑस्ट्रेलिया में छप गए, ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार में उसके सारे दस्तावेज छप गए। तो हमें प्राइवेट कंपनियों को जब हम इन्वॉल्व करते हैं तो इसका एक नुकसान होता है, स्कॉर्पिन के लीकेज के कारण हमारी ये अनऑफिशियल सोर्सेस ने बताया है कि हमारी सरकार ने उसके प्रोसेस में परिवर्तन किया स्कॉर्पिन के, हालांकि अनऑफिशियल सोर्सेस है, ऑफिशियली तो ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि
कोई पनडुब्बी जो है वो अलग अलग तरीकों से नहीं बनती होगी, कुछ फिक्स्ड पैरामीटर्स उसके होते होंगे और उन पैरामीटर्स को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन रिस्क तो है, इसलिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन हो और ज्यादा से ज्यादा सरकारी कंपनियों को ही इसमें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। डीआरडीओ इसमें काफी हद तक काम करता ही है। उसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है उसको भी, क्योंकि आरोप तो ये लग रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है उसी से राफेल की डील छीन कर किसी और को दे दी गई। तो मेरा लगता है अगर ये है तो इस पर स्पष्ट करना चाहिए सरकार को कि वाकई में ऐसा हुआ या नहीं हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है, क्योंकि सरकारी कंपनियों को ज्यादा तवज्जो हमें दे, रक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मामला है ना दोस्तों वो हल्के में नहीं लिया जा सकता। और ना ही उसमें, मैं मानता हूं कि ज्यादा स्ट्रिंजेंसी जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी भी जरूरी नहीं है, स्ट्रिंजेंसी भी जरूरी नहीं है। बट हाँ, ये जो मैं कुछ सुझाव दे रहा हूँ दो, इससे काफी हद तक घोटाले कम हो जाएंगे। एक तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और एक पार्लियामेंट्री कमेटी वाला मामला, ये दोनों कर दिया जाए तो बहुत बेस्ट है। और बाकी यार ज्यादा कुछ कहने को है नहीं, बाकी तकनीकियों में मैं नहीं जाना चाहता कि बोफोर्स घोटाला क्या था और अगस्त वेस्टलैंड घोटाला क्या था या नेवी वॉर रूम लीक घोटाला क्या था या अभिषेक वर्मा ने क्या घोटाला किया, मैं इन चीजों में जानना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे परिचर्चा में कोई निष्कर्ष निकलेगा। तो केवल तथ्यात्मक बातें हैं और ये घोटाले तो ऐसे हैं जिन पर सर्वोच्च न्यायालय तक कुछ निर्णय नहीं दे पाया। बोफर्स घोटाले में पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट से क्लीन चिट आ गई थी, अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में उसमें याचिका दी गई है। तो आज तक ऐसा कोई भी स्कैम नहीं है डिफेंस का जिसमें सजा हो पाई हो। तो ये भी अपने आप में एक सोचनीय विषय है कि इस देश की न्याय प्रणाली, इस देश की अन्वेषण प्रणाली यानी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, इस देश का प्रोसिक्यूशन इतना कमजोर है कि जब रक्षा घोटाले के दावे होते हैं तो रक्षा घोटाले करने वालों को हम जेल तक नहीं पहुंचा पाते। ये भी अपने आप में एक प्रश्न उठाता है कि वाकई में कोई घोटाले हुए भी हुए होते हैं या ये घोटालों की हवा बनती है। अगर सच में घोटाले हुए हैं और उनको करने वाले लोग आज भी बाहर हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और उम्मीद यही की जानी चाहिए। उसके अलावा मुझे लगता है कि जो सेना का अपना जो मैकेनिज्म है, कोर्ट मार्शल या अपनी इंटरनल कोर्ट्स होती हैं उनकी, उसके अलावा भी एक सिविल ट्रिब्यूनल जरूर होना चाहिए जो रक्षा खरीद घोटालों अगर ऐसे कुछ सामने आए तो उनको ट्राई कर सके और जल्दी से जल्दी उन पर फैसले सुनाए जा सके। तो एक ऐसा ट्रिब्यूनल होना चाहिए आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ही, लेकिन वो सिविलियन ट्रिब्यूनल होना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस का ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और सिविलियन जजेस जो है उस ट्रिब्यूनल के जज हों और वो ये फैसला करें और जल्दी से जल्दी फैसला, और उस ट्रिब्यूनल को हाईकोर्ट के पावर मिलने चाहिए ताकि वो मामला ज्यादा ना खींचे। हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ केवल सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की जा सके, जिससे कि बहुत जल्द इन इन मामलों में निर्णय आ सके। मैं सिर्फ यही कुछ सुझाव, कुछ परिणाम, कुछ कारण आपके सामने रखना चाहता था। धन्यवाद।